हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। और हमारा आज का टॉपिक है न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री। हमने अपनी पिछली क्लास में वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अपनी पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है डिफॉरेस्टेशन पर। तो ओवरऑल वॉर ने डिफॉरेस्टेशन को इंक्रीज कर दिया था दोनों ही जगह पर, चाहे वह इंडिया हो या फिर जावा हो। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लगभग 1980s के अराउंड एशिया और अफ्रीका की गवर्नमेंट को यह रियलाइज होती है कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट को यह भी रियलाइज होता है कि गवर्नमेंट ने जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज और वैसे लोग जो फॉरेस्ट के जंगल के आसपास रहते हैं उन्हें जंगल से दूर कर दिया था। तो अपनी इस गलती का रियलाइजेशन होता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने क्या किया था, फॉरेस्ट लॉ को इंट्रोड्यूस किया था दोनों ही जगह, जावा और इंडिया दोनों ही जगह पर। हमने यह भी देखा था कि जावा और इंडिया का फॉरेस्ट लॉ जो है वह काफ़ी सिमिलर है, बहुत हद तक मिलता जुलता था। फॉरेस्ट लॉ के तहत क्या किया गया था, पहला तो फॉरेस्ट के यूज़ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, लोगों का जाना मना कर दिया गया था फॉरेस्ट में, पनिशमेंट्स दी जाती थी फॉरेस्ट रूल्स को नहीं फॉलो करने पर। यहाँ तक कि फॉरेस्ट कम्युनिटीज या फिर वैसे लोग जो फॉरेस्ट के आसपास रहते थे उन्हें फॉरेस्ट से दूर कर दिया गया था। तो गवर्नमेंट को अपनी गलती का एहसास होती है। हमने यह भी देखा था कि कहीं पेड़ों की कटाई की जा रही है, रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए तो कहीं सिप्स बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए थी। यहाँ तक कि वॉर के टाइम पर क्या हुआ कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की गई थी। तो गवर्नमेंट ने जो कुछ भी किया, एक समय ऐसा आया कि गवर्नमेंट को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपनी इस गलती को सुधारना चाहती थी। और इसी चाहत में गवर्नमेंट ने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना अपना गोल बना लिया था गवर्नमेंट ने। कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए। तो ऐसा ही कुछ गवर्नमेंट के साथ भी होता है। गवर्नमेंट ने अपनी गलती को एक्सेप्ट करा, स्वीकार करा और उसे सुधारना चाहा। कैसे सुधारना चाहा, तो फॉरेस्ट को कंजर्व कर जहाँ पहले पेड़ों की कटाई पर ध्यान दिया जाता था अपने नीड्स, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अब वही दूसरी ओर वही गवर्नमेंट जो है फॉरेस्ट के कंजर्वेशन की बात कर रही थी। और गवर्नमेंट का यह मानना था कि फॉरेस्ट का कंजर्वेशन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक फॉरेस्ट कम्युनिटीज इसके इसमें इन्वॉल्व ना हो सके। मतलब गवर्नमेंट यह चाहती थी कि फॉरेस्ट कम्युनिटीज भी गवर्नमेंट का साथ दे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में। और ऐसा ही होता है। और यही वजह है कि आज जो कुछ भी हम डेंस फॉरेस्ट देख सकते हैं वह कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का ही रिजल्ट है। विलेजेस ने क्या किया था, फॉरेस्ट कम्युनिटीज ने क्या किया था कि जो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उपवन कह लो या फिर बगीचा कह लो, इन सभी को कंजर्व करा था, प्रोटेक्ट करा था। कौन कौन से जगह पे, तो जैसे हो गए देवाकुड़ू, सरनाज, कन राय, ये सब क्या है, ये सब जगह के नाम है, इंडिया में जगह के नाम है जहाँ के जंगलों, मतलब कि स्मॉल ग्रुप्स को, उपवंस को फॉरेस्ट कम्युनिटीज ने प्रोटेक्ट करा, कंजर्व करा। और यही वजह है कि आज हम इन सभी को देख सकते हैं। मिजोरम से लेकर केरला तक जो भी डेंस फॉरेस्ट है वह आज सर्वाइव कर सके हैं तो वह केवल और केवल कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के कारण ही है। गवर्नमेंट और फॉरेस्ट कम्युनिटीज ने दोनों ने ही मिलकर एड़ी चोटी की जोर लगा दी थी फॉरेस्ट को कंजर्व करने में। पहले क्या किया जाता था कि एक फॉरेस्ट गार्ड होता था जो कि फॉरेस्ट की देखभाल किया करता था, उससे उसके उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी। बट अब क्या किया गया कि जो भी विलेज कम्युनिटीज होती थी, जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज थे, जो विलेजेस थे, तो हर एक विलेजेस क्या करते थे
कि अपने टर्न के अकॉर्डिंग वहाँ के फॉरेस्ट की रक्षा करते थे, उसे कंजर्व करते थे। और इसी तरीके से गवर्नमेंट और फॉरेस्ट कम्युनिटीज ने साथ मिलकर फॉरेस्ट को कंजर्व करा। यहाँ तक कि लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट लोग जो हैं वे आज भी हर संभव यह प्रयास कर रहे हैं कि फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके, नए नए फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट को अच्छे से मैनेज किया जा सके। और आज भी आप देख सकते हो कि हमारे लाइफ में फॉरेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है। और जैसा कि हमने देखा कि बढ़ती इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, बिल्डिंग्स के एस्टेब्लिशमेंट के कारण क्या किया जा रहा है कि पेड़ों की कटाई की गई है, तो गवर्नमेंट जो है अब वह पेड़ों की मतलब कि फॉरेस्ट के कंजर्वेशन पर ध्यान दे रही है, हरियाली को प्रमोट कर रही है, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को अवेयर किया जा रहा है फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस पर, उसे कंजर्व करने के लिए बताया जा रहा है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और इसी टॉपिक के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वह यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको इस चैप्टर का हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हमारे इस चैप्टर के नोट्स का पीडीएफ आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हमारा ये नोट्स इतना सफिशियंट है कि एक बार नोट्स पढ़ लो और मेरे इस एक्सप्लेनेशन को याद रखो, दोबारा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है और आप एग्जाम रेडी हो।